और देख सकते हैं यही है पूरा प्लांट है, तमाम जो मछलियों का उत्पादन किया जाता है वो सब सारी चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। और जिन किसान भाइयों को मछली का बीज चाहिए, मछली का बच्चा चाहिए, वो यहाँ पर आकर आसानी से ले सकते हैं। तमाम दूर दूर के लोग यहाँ पर मछलियों का बच्चे मतलब स्पाम हुआ बच्चा हुआ दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ये लाल वाली कौन मछली है? वही सामने है, वही है सब तो। हाँ स्पान, हाँ स्पान, हाँ देखिए दोस्तों अभी हम आपको चाचा जी अभी आपको इस फार्म में दिखाएंगे, बोल रहे हैं कि इस फार्म में दिखा दीजिए कैसे इस फार्म होता है। अभी थाली में स्पॉन बोला जाता है, स्पॉन। देखिए दोस्तों ये इधर इधर देखिए, अभी ये हम आपको थाली में दिखा रहे हैं, देखिए यही है सब। और जय साथियों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको जैसे मछली पालन के बारे में बताएंगे, तमाम किसान भाई हैं जो कहीं ना कहीं मछली व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो चूँकि बरसात का मौसम भी आ गया है तो जिसके वजह से तमाम जो पोखरे तालाब में जो मछलियाँ पाली जाती हैं, तो मछलियों का जो स्पर्म होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहाँ से मिलते हैं मछलियों का, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, मछली पालन कैसे किया जाए जिससे बेहतर किसानों को लाभ मिल सके, इसके बारे में आज पूरा वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। और एक हम पर मछली प्रजनन केंद्र पर आए हैं जो कि महाराजगंज जिला है अपना, और महाराजगंज जिले के अंतर्गत बरोहिया के अंतर्गत यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लांट है, तारा मत्स्य प्रजनन केंद्र और एक मेधा मत्स्य प्रजनन केंद्र। तो इस दोनों प्रजनन केंद्रों पर हम आए हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तमाम जो किसान भाई जो कहीं कहीं मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, कहीं कहीं उनको तमाम ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो उनके लिए फायदेमंद होने वाली है। देखिए देख सकते हैं इधर बगल में पोखरा भी आपको हम दिखा रहे हैं, इसी पोखरे में तो साथियों हम आपको बता रहे, देखिए यहाँ पर मेधा मत्स्य प्रजनन केंद्र और यही प्लांट है, यहीं पर मछलियों का कहीं कहीं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसे स्पर्म बोला जाता है उसका निर्माण किया जाता है, मछलियों के द्वारा प्रजनन किया जाता है बच्चों का। तो इसी प्लांट पर हम आए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ बहुत बड़े पैमाने पर यह प्लांट दिखाई दे रहा है आपको। इधर देखिए जो दुतल्ला मकान बनाया गया है वो भी कहीं कहीं इसका भी एक रहस्य है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और देखिए इधर तमाम तरह की इधर हर तरह के जैसे मछलियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी प्रजनन केंद्र पर। देखिए यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आपको देखिए दिखाई दे रही हैं, देखिए इन्हीं बड़ी बड़ी मछलियों से बच्चों का कहीं प्रजनन किया जाता है इस फार्म का माध्यम से। देखिए यहाँ पर यही है प्लांट, और देखिए इधर सैकड़ों की संख्या में आपको पोखरा इधर दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। और इधर देखिए एक अलग अलग खंडों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियाँ आपको दिखाई देंगी। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इधर देखिए जूम करके, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं सब, और यहाँ पर बड़ी मछलियाँ, इन्हीं बड़ी मछलियों से कहीं कहीं इस पार में निकाला जाता है। यहाँ पर भी कुछ मछलियाँ हैं, यहाँ पर भी आपको चल कर देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना बड़ी मछली है, देखिए इधर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग खंड में हैं सब और अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं। और इसी जो गोल गोल आपको दिख रहा है इसी में कहीं कहीं स्पर्म का निर्माण, जो अंडे निकाले जाते हैं मछलियों के, उस मछलियों के अंडे से यहाँ पर स्पर्म बनाया जाता है। देखिए इसी तरह से यह घूमता है, अब कम से कम 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ वैरायटी में अलग अलग समय होता है, और जितना ही घूमता है देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप स्पर्म दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, आपको इधर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे जो स्पर्म है इसे घूमेंगे, और घूमने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे के बाद इसमें से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए ताज़ा पानी का इसमें फव्वारा भी दिया जा रहा है ताकि पानी ठंडा रहे और स्पर्म जो है वो मरने ना पाए, सब मतलब जीवित रहें। देखिए यहाँ पर जाली भी इसके अंदर लगाया गया है, तो तमाम तरह की मछलियों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है जो उसके स्पर्म होते हैं बच्चे होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं इधर एक बड़ी मछली इधर आपको दिखाई दे रही है, यानी जो बड़ी मछलियाँ होती हैं इसी में रहती हैं, इसमें से निकाल कर जो अंडे उसके निकलते हैं उस अंडे से इस फार्म का निर्माण किया जाता है। तो देख सकते हैं यह प्लांट है, अभी हम महाराजगंज जिले में हैं, बरोहिया ग्राम सभा है, बरोहिया के अंतर्गत यह प्लांट है। इधर देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में इधर मछलियाँ हैं, इधर देखिए दोस्तों इधर भी कुछ मछलियाँ हैं, देखिए अलग अलग प्रकार की रंगीन मछलियाँ आपको हम दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पे इस मछलियों के बच्चे। देखिए इधर दोस्तों देखिए अब ये कहीं ना कहीं बड़ी हो गई हैं, अब कहीं मार्केट में जिसको ज़रूरत रहेगा जो अपने पोखरे तालाब में इसको ले जाना चाहेंगे, चाइना है लग रहा है, चाइना का इस बार। हाँ देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है, अभी देखिए इधर भी आएंगे सब, देखिए तमाम अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ यहाँ पर मिलती हैं। और देखिए इधर भी आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये लाल वाली कौन मछली है? वही सामने है, वही है सब तो। चाचा यहाँ कौन कौन मछलियाँ मिल जाती हैं, कौन हर मछलियों का बीज? यहाँ हर मछली मिलती है, रोहू, नैनी, भाकुर, सिल्वर ग्रास, बिगेट, आपके बैखरी, रोहू, नैनी, भाकुर, सिल्वर ग्रास, बिगेट, यानी देखा जाए जो आम तौर पर जो किसान मछली अपने तालाब में डालते हैं हर तरह का वैरायटी यहाँ पर लगभग मिल जाता है, हर तरह के। हाँ आपके जो है
तिरपुनिया भी मिल जाता है। हाँ, सब चीज़ का मिलता है, हर तरह का मिल जाता है। और बहुत बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं मछली लेना, मछली का मतलब बीज लेने के लिए, स्पर्व लेने के लिए। बिहार हो गया है, बिहार नेपाल से, तो नेपाल, फिर हम आपको बेतिया है, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया। तो दोस्तों इधर देखिए, इधर आप लखनऊ तक के लोग इधर आते हैं, बता रहे हैं भैया कि लखनऊ तक के लोग भी इधर आते हैं। देखिए इधर आपको हम दिखा रहे हैं, तो यह है यहाँ का प्लांट। और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए कहीं कहीं नया, जब नया चीज़ जब दिखता है कोई व्यक्ति, तो वास्तव में बेहतरीन है। और कहीं कहीं इसका लागत भी इस तरह के देखा जाए फार्म में, जो मछली का जो है, इसको बहुत लागत लगा होगा इसको बनाने में। देख सकते हैं इधर, इधर पोखरा भी है बड़े स्तर पर, जहाँ सौर पैनल भी लगाया गया ताकि लाइट न रहे तो पानी का। हाँ, इधर दोस्तों हम आ रहे हैं आपको हाँ बोलिए। हाँ, देखिए दोस्तों अभी हम आपको, चाचा जी अभी आपको इस फार्म में दिखाएंगे, बोल रहे हैं कि इस फार्म में दिखा दीजिए कैसे इस फार्म होता है। अभी थाली में स्पॉन बोला जाता है, स्पॉन। देखिए दोस्तों ये इधर, इधर देखिए अभी हम आपको थाली में दिखा रहे हैं, देखिए यही है सब। और देखिए किस तरह से अब यही सब बड़े होकर कितना दिन मतलब बिक जाएगा अब, ये बेचने लायक हो गए हैं लोग अब मार्केट, मतलब जो भी है किसान लेना चाहते हैं इसको लेकर जाएंगे। क्या रेट है इसका अभी फिलहाल? 2000, 2500, 3000 जो भी इसका, मतलब जिस प्रकार की वैरायटी है। 2000, 2500, 3000 मतलब किलो के हिसाब से बिकता है ना, लीटर के हिसाब से। हाँ, स्पाम जो है लीटर के हिसाब से बिकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यही है, अभी इस थाली में आप देख रहे हैं जो इधर इधर घूम रहे हैं सब, इसी में से अभी निकाला गया है। और कितना समय के बाद इसमें बाहर हो जाएंगे लोग? 72 घंटे के बाद। तो दोस्तों 72 घंटे के बाद मतलब अंडा पहले डाला गया होगा, उसी अंडे से सब स्पॉन तैयार। हाँ, तो स्पॉन बोला जाता है दोस्तों छोटे छोटे। हाँ, तो अलग अलग इसका नाम है अलग अलग। देखिए इधर भी तमाम पोखरा तालाब है। आइए आगे हम आपको चलकर दिखाते हैं कि कैसे इसका, इस फार्म का। देखिए इधर भी कुछ, इधर देख सकते हैं जो पोखरा आपको दिख रहा है, इसी पोखरे में से मछलियां निकाली जाती हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, और उन्हीं मछलियों से अंडा निकाला जाता है। पहले उसका मतलब एक सुई लगाया जाता है, कुछ ऐसे मतलब केमिकल टाइप होता है, उसके बाद वो अंडा देती हैं। देखिए इधर भी आपको दिखा रहे हैं तालाब, बहुत बड़े स्तर पर यह तालाब है, और मतलब है कई अलग अलग वैरायटियों की मछलियाँ होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तालाबों में उनको रखा जाता है, और इन्हीं तालाबों से मछलियों को निकाल कर उसमें अंडा जब निकलता है, तो उसको जो गोल गोल घूम रहा है उसमें ले चलकर, उसमें से स्पॉम बोलते हैं, जो छोटी छोटी मछलियाँ बच्चे अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद जो भी किसान लोग आते हैं उनको लीटर के हिसाब से दिया जाता है, और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको किलो के हिसाब से दिया जाता है। तो इस तरह से यह फार्म है, बहुत ही बेहतरीन, महाराजगंज जिले का या बरोहिया के अंतर्गत हम अभी हैं, और यहीं का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पर मछलियों का बीज का उत्पादन किया जाता है, और किस हिसाब से रेट से बिकता है ये भी हमने बताया। तो साथियों हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से मछली का जो बच्चे होते हैं कहाँ पर आपको बच्चे मिलेंगे। अभी हम महाराजगंज जिले के बरोहिया में हैं, निचलौल तहसील पड़ता है, और यहाँ पर जो आप, हमने पूरा विस्तार से आपको वीडियो दिखाया, क्योंकि हर तरह की मछलियाँ जैसे नैनी, रोहू, ग्रास, सिल्वर, तमाम जो भी मछलियाँ हैं जो आज के इस युग में जो किसान मछली अपने तालाब या पोखरों में डालते हैं, वो हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं यह जानकारी हम इसलिए वीडियो बनाए ताकि जो किसान भाई हैं जिनके नहीं पता है कि मछली का बीज कहाँ मिलेगा, मछली का जो बच्चे होते हैं कहाँ मिलेंगी, और इस तरह की तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। साथियों मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।